ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े, बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं कि ये सिलेंडर है, पर सिलेंडर कम पड़ गए। भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। हौसला तो रख, मरा जा रहा। मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए, चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा है। मरते ऐसे, अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े, बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर दो सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। अक्सर ही बेतुकियां टिप्पणियां ते आपणियां पुठियां सिद्धियां हरकतां लई चर्चा विच रहिंदे रामदेव दी कोविड मरीजां अते डॉक्टरां बारे कीती गई एक ऊल जरूल टिप्पणी ते फिर विवाद उठ खड़ा होया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दे उप प्रधान डॉक्टर नवजोत सिंह दहिया ने शनिवार नूं बाबा रामदेव दे बयानां दा सख्त नोटिस लैंदिआं कहा कि ओह कोविड दे मरीजां दा मजाक उड़ाउंदे हन जिन्हां ने रामदेव दे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई अते सख्त कार्रवाई दी मंग कीती है। इंटरनेट उत्ते वायरल होई एक वीडियो विच रामदेव ने कहा सी कि मरीज सही तरह साह लैणा ही नहीं जाणदे अते ऑक्सीजन दी घाट दी शिकायत करके नकारात्मकता फैला रहे हन। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर दो सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। जिनका 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम एक घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर दिया। लेकिन अरे हौसला तो रख, मरा जा रहा है, मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए, चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा है। दहिया जिसने उसकी शिकायत की है वो हाल ही में जो सुर्खियों में आया सी जो उसने महामारी दौरान चोन रैलियां करने लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं सुपर स्प्रेडर कहा सी। रामदेव ते डॉक्टरां प्रति मान हानि अते अपमानजनक भाषा की वरतों करन दा भी दोष लगाया है। प्रोटोकॉल ऐसे बना रखे, मार देंगे हॉस्पिटलों में, बाबा को रोगी नहीं देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये क्या मतलब हुआ? रोगी मर रहे, बाबा को इलाज नहीं करने देना, अब तू क्या करेगा? हॉस्पिटल में भी लोग प्राणायाम कर रहे हैं, रोके दिखाओ तो, प्राणायाम नहीं करने देंगे, आयुर्वेद की दवाई नहीं खाने देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, बोले ये दवाई नहीं खाओगे, तुमने दवा कंपनियों का एजेंट बनने का ठेका ले रखा है, तुम ही हो ड्रग माफिया, फिर मैंने मुझे मेडिकल माफिया कहना पड़ता है। अरे आदमी मर रहा है और गिलो खाने से बच रहा है, तेरे को दिक्कत क्या है? तेरे को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? तू भी खा ले, मर, डॉक्टर मर रहे हैं, कोविड इन्फेक्टेड हो गए डॉक्टर ही। अब तो मैं आपको बताता हूं, 80-90% डॉक्टर भी कोरोनिल और गिलोय घनवटी खाते हैं हॉस्पिटल से जाने से पहले, उनके वो नहीं खाए तो उसके माँ बाप उसको देते, खा ले चुपचाप, डॉक्टर इसलिए नहीं बनाया था मरने के लिए, खा के जा। माँ बाप खिला के भेजते हैं, पत्नियां खिला के भेजती हैं, एक पत्नी ने तो अपने डॉक्टर पति को तलाक की धमकी दे दी, यदि गिलोय घनवटी नहीं खाएगा मैं तलाक दे दूंगी तेरे को। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, आपको हंसी लग रही है, मेरे साथ में डॉक्टर बहुत जुड़े हुए हैं। दहिया ने रामदेव के खिलाफ उच्च पदरी जांच की मांग करदिया कहा कि एक फौजदारी केस कोविड के मरीजों के इलाज संबंधी दहशत पैदा करन अते डॉक्टरों द्वारा इलाज ना करवाने लई प्रचार करन लई उस विरुद्ध दर्ज किया जाना चाहिए है। IMA के मीत प्रधान ने यह भी कहा कि रामदेव ने डॉक्टरी भाईचारे विरुद्ध अपमानजनक भाषा की वरतों की है अते जान बुझ के कोविड मरीजों का इलाज करन लई जारी कीतियां हदायतों की उलंघना की है। जलंधर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर नूं दित्ती अपनी शिकायत में दहिया ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के CEO आचार्या बाला कृष्ण बारे भी कार्रवाई की मांग करदिया लिखा है कि बाबा रामदेव का वीडियो इंटरनेट
कौमी मीडिया के चैनल के सामने आया सी, जिस विच उसने सलाह दित्ती सी कोविड 19 के मरीजों हस्पतालों विच इलाज लई ना जाना पवेगा, परंतु इसकी सलाह से चल के उन्होंने लक्षणों का इलाज अपने आप करना चाहिए है। रामदेव ने वीडियो विच यह भी दस्या कि जे किसी नूं अपने ऑक्सीजन के पद्धर विच कमी हो रही नजर आ रही है तो उसनूं अनुलोम विलोम प्राणायाम अते कपालभाती प्राणायाम करना चाहिए है। उसने कोविड के मरीजों को भारत सरकार द्वारा कोविड के इलाज लई जारी की गई सलाह दिशा निर्देशों के विरुद्ध सलाह दी। डॉक्टर दहिया जो कि आर्थोपडिशन हन ने रामदेव की सलाह का जिक्र करदिया सरकार वालों जारी आदर्शता और संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए होर आदेशों बारे स्पष्ट तौर पर कहा कि रामदेव की अपील इन्हों की सीधी उलंघना करती है। इस तरह बाबा रामदेव को आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और महामारी रोग एक्ट 1897 की व्यवस्था अधीन सजा दी जा सकती है। IMA के प्रधान ने कहा कि रामदेव ने कोविड दे मरीजा नू पतंजलि योग पीठ विच दाखिल करवाउण दी साजिश रची सी। उन्हां कहा कि मैडिकल भाईचारे विरुद्ध रामदेव दे बयान सरकार अते सेहत कर्मचारियों प्रति लोकां दे विश्वास नू खत्म करन वाले हन। जै 25-50 हज़ार कोरोना रोगियों के लिए एक हॉस्पिटल खोल दूं, वही वही आए सारे के सारे। लेकिन गवर्नमेंट ने अब वैसे थोड़े दिन में इनकी अकल ठीक तो हो जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पूरा पतंजलि योगपीठ केवल कोरोना के रोगियों के लिए खोल सकता हूं कि आओ, जिनसे कोई कहीं ठीक नहीं हो रहा वहां जाओ मेरे पास, फिर वो यहां नहीं रखूंगा, वो पतंजलि में खोल देता हूं। और अभी बात कर लूंगा एक बार गृह मंत्री जी से, PMO से भी बात कर लेंगे। अब मैं मोदी साहब गृह मंत्रालय से PMO से बात कर लेता हूं, नहीं तो बाबा तो पता नहीं क्या करेगा। अरे बाबा कौन सा गड़बड़ करेगा, कोई कर, मैं तो चैलेंज के साथ ठीक करता हूँ, आ जाओ तुमको ठीक करता हूँ, तो अभी मैं बात करूँगा। डॉक्टर ने यह भी दसिया कि पिछले दिन ही रामदेव ने कोविड लई एक दवाई इजाद करन दा झूठा दावा कीता सी। बाबा रामदेव अते बाल कृष्ण ने गलत तौर पर इश्तहार दिता कि उन्होंने कोविड के इलाज लई एक दवाई तैयार की है। हालांकि स्पष्ट है कि अज तक कोई दवाई भारत सरकार के नाल किसी होर संबंधित संस्था नाल रजिस्टर्ड नहीं की गई। इस तरीके नाल दोवां मुलजमान ने उन्हां तों वित्तीय लाभ लैण लई लोकां नाल धोखा किया। कोविड मरीजों का इलाज करन लई बिना किसी अधिकार लाइसेंस या पेशेवर डिग्री दे उन्हां कहा कि इस नाल कानून की उलंघना हुई है। फिलहाल रामदेव हुण अपनी नवीं टिप्पणी नाल नवे विवाद विच घिरदे नजर आ रहे हैं। ये डॉक्टर साहब कहते हैं ये दो सिलेंडर यहाँ लगा रखे हैं, दो डॉक्टर इधर दे रखे हैं और ये दो नर्सेज हैं ये इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं। चलो भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो।